नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा। सबसे पहले चर्चा उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुँचे बीलवा स्थित राधास्वामी सत्संग ब्यास केंद्र, ब्यास डेरा प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लो से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने अपने अस्थायी निवास ओटीएस में की जनसुनवाई, आमजन की समस्याओं को सुनकर जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। 25 दिसंबर को प्रदेश में सुशासन दिवस का होगा आयोजन, जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों को दिलाई जाएगी सुशासन की शपथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को बीलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास केंद्र पहुंचे। उन्होंने राधा स्वामी ब्यास के डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो के सत्संग में शिरकत कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो से मुलाकात कर अध्यात्म, सामाजिक मूल्यों, समाज में व्याप्त कुरूतियों आदि विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर सांसद रामचरण बोहरा और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अपने अस्थायी निवास ओटीएस में जन सुनवाई की। वहां उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुना और तुरंत निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी राजस्थान विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र में हुए अखिल भारतीय अधिकारी अभ्यास वर्ग सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षा के प्रमुख विषयों पर अनुसंधान आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा भारतीय समाज लोकतंत्रीय व्यवस्था वाला है और विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा में निर्धारित लक्ष्य शीघ्र पूरे किए जाएं, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं हो। उन्होंने निचले स्तर पर कोविड का प्रभावी प्रबंधन करने को भी कहा। शुभ्रा सिंह शनिवार को जयपुर के स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति और कोविड प्रबंधन सहित चिकित्सा विभाग से जुड़े अन्य विषयों पर समीक्षा कर रही थी। कल 25 दिसंबर को प्रदेश भर में सुशासन दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रशासनिक सुधार विभाग, जिला मुख्यालय, नगर निकायों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। प्रदेश में सुशासन की राह प्रशस्त करने के लिए जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों को सुशासन की शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि उत्तरदायी, पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासन के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। अब सुनिए जिलों का राउंडअप। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। खैरतल तिजारा की ग्राम पंचायत खानपुर आहिर, फखरुद्दीन का और जोड़िया मेव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। यहां लगे शिविर में आमजन को योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही पात्र लोगों का विभिन्न योजनाओं में रजिस्ट्रेशन किया गया। अलवर जिले के खुदनपुरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के दौरान राजेश कुमार ने परचून कार्य के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ऋण स्वीकृत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री जी से लोन पास हुआ, मैं अपने दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सांचौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत लगे कैंपों में आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें इनका लाभ दिया जा रहा है। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। महिला क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मुंबई में खेले गए टेस्ट मैच में 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत पर टीम को शुभकामनाएं देते हुए सीएम ने लिखा, आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अद्भुत और शानदार खेल कौशल का परिचय देते हुए ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर इतिहास रचा है। देश को अपनी बेटियों पर अत्यंत गर्व है। उधर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए लिखा, जागरूक रहिए, जिम्मेदार बनिए, आइए हम सभी अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग होकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का संकल्प लें। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।